मैंने कहा ना मुझे जाना है, मुझे वहाँ जाकर ही शांति मिलेगी। पर उठे जाके क्यों शांति मिलेगी? क्योंकि वहाँ भगवान रहते हैं। भगवान उठे रहते हैं? ये क्यों पूजा करती है? आदेश दो मुझे, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। ड्यूटी प्रॉपर्टी का लालच देकर उसके बेटा और बहू को हैप्पी होम सोसाइटी में बुलाया है। लो जी रजिस्टर ऑफिसर आ गया। हर माँ को ये समझना चाहिए कि जब तक वो जिंदा है अपनी प्रॉपर्टी गलती से भी अपने बच्चे या किसी के भी नाम नहीं करनी चाहिए। दिक्री तो पार की ता पढ़ के वाया। अरे सुपार की थापड़ है, सुपार की थापड़। अभी से किधर आप कन्या विदाई के गाने गाने शुरू कर दिए? अभी तो मेरी बेटी जिग्ना को सिर्फ देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हो। तू तो तैयार होके ऐसे फुदक रही है जैसे लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। तो मेरे को तो किधर मेरी शादी के टाइम पे भी लड़के वाले देखने आए थे। क्या बोला तूने? मैं तुझे देखने नहीं आया था। इधर आए थे। तो मैं तो तुम्हारे बापूजी के साथ मेरे घर का नमूना देखने नहीं आए थे? तो मेरे को ऐसा घर बनाने का था ना। अच्छा अच्छा, मतलब घर का नमूना दिखाते दिखाते आपको ये नमूना पसंद आ गया है? ए छोकरी, तेरे बाप को नमूना बोलती है? अरे जलपा बेटा, ये मेरे को पसंद नहीं आए थे, मैं इनको पसंद आ गई थी। क्या हुआ जलपा बेटा, मैं तुझे बताता हूँ। घर की खूबसूरती देखते देखते मुझे ये भी खूबसूरत लगने लगी। उसमें मेरा क्या कसूर? काश उस वक्त नहीं लगी होती। मतलब काश उस वक्त तू खूबसूरत नहीं लगी होती ना, तो मैं दूसरी बार तुझे देखने आता। अगर मैं दूसरी बार तुझे देखने आता तो आज जो तेरी शिकायत है वो नहीं होती। धंधा नहीं वाच्चे। तो तुम्हें खरा बोलेला है जलपा बेटा। जाओ जाकर देखो जिग्ना तैयार हुई कि नहीं, लड़के वाले का आने का टाइम हो गया। मैं क्या बोल रही हूँ जलपा के पापा? हाँ? हमारी जलपा को हम घर में कुंवारी बिठा कर ये छोटी बेटी जिग्ना की शादी कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं ना? मतलब मेरा ऐसा कहने का है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जलपा के लिए कोई लड़के का रिश्ता ही ना आए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होता है ना हमारे समाज में, कोई भी घर में अगर बड़े बेटे बेटी की शादी बाकी रह गई हो और छोटे बेटे बेटे की शादी हो जाए ना, तो लोग अक्सर बड़े भाई बहन में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं और फिर उनकी शादी नहीं हो पाती। मुझे डर लगता है कि हमारी जलपा के साथ भी ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे लोगों की ये सोच बड़ी गलत है। हम लोगों को बोलेंगे कि हम हमारी छोटी लड़की की शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बड़ी लड़की कैरियर बनाना चाहती है, इसीलिए छोटी लड़की की शादी पहले कर रहे हैं। इसमें कोई गुनाह तो नहीं कर रहे? धंधा नहीं बच्चे। हाँ तुम्हारी बात तो खरी है जिग्ना ना पप्पा, ये तो मेरे को ऐसे मन में आया ना, इसलिए मैंने आपको बताया। तू फिकर नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ए कांजी, मेरी दोनों बेटियों का तू ख्याल रखना हो। कितना टाइम लग रहा है, बाप रे। ये देखो पल्ला पल्ला, बिल्कुल एकदम ठीक करो, बिल्कुल एकदम ठीक करो। अरे गजरा लगाओ, जल्दी लगाओ। एक सेकंड। बिंदी 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 दिखाओ, बिंदी दिखाओ। हाँ हाँ एकदम ठीक है, नाच एकदम ठीक है। प्रोफाइल चेक करो ना, परफेक्ट परफेक्ट है ना। ये कलर कैसा लग रहा है? यमी। अरे आइसक्रीम है क्या जो यमी बोल रही हूँ? ओवरऑल कैसी लग रही? परफेक्ट ना। बस बस बस, इतना परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ा सा इधर उधर चलता है आंटी। आंटी मत कहो ना। चलता है अभी आंटी? अरे नहीं चलता है, ना कल चलता था, ना आज चलता है, ना आगे चलेगा। अरे वाह, देखा
अब लग रही ना मराठी मुलगी। अरे पर मैं मराठी किधर हूँ, वो तो गुजराती छू। हाँ बाबा मुझे मालूम है कि तुम गुजराती हो, पर तुम्हें जो लड़का देखने आ रहा है ना वो मराठी माहौल में रहा है, वहीं पे पला बड़ा है। अब देखो ना बचपन से उसने भी माँ को मराठी देखा, अपनी बहन को मराठी देखा, अपने भाई को मराठी देखता, अपने दादा को मराठी देखता, अपने पापा को मराठी देखा। जब वो स्कूल में गया तो टीचर मराठी, जब वो है ना कॉलेज में गया तो उसने अपने प्रिंसिपल को मराठी देखा, मतलब उसके चारों तरफ मराठी मराठी मराठी। तो अब तुम ही बताओ अगर तुम गुजराती गेटअप में उसके पास जाओगी तो कैसे पसंद करेगा? अब बता कैसी लग रही है माझी मुलगी? एकदम छान वाटते। आगे से करीना, पीछे से कटरीना, राइट से माधुरी दीक्षित और लेफ्ट से शिल्पा शेट्टी। ए, तू क्यों उदास लग रही है? अरे हाँ मैंने तेरी फेवरेट का नाम नहीं लिया इसलिए ना। बता दू तू एकदम दीपिका पादुकोण लग रही है। ये ज्यादा हो रहा है एक्चुअली, सॉरी। अब शर्मा क्यों रही है? अरे तुम लोग इतनी सारी फिल्मों के बात कर रहे थे ना, तो फिल्म में दुल्हन ऐसे ही तो शर्माती है। हे माँ, ओवर एक्टिंग। अब यहाँ पे ज्यादा शर्मा मत, बाहर लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा उनके सामने शर्मा ले, ठीक है? चलो। अरे रुक, फिल्म इस स्टाइल में जाएंगे। धीरे 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 धीरे। लो 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 ना नाश्ता लो ना नाश्ता नहीं पानी लो ना। अरे दिखरा लो ना दिखरा तुम भी नाश्ता पानी। नाश्ता पानी नहीं अंकल, इसको चाय पानी बोलते। लो लो। अरे बेटा ऐसे टाइम पे है ना लड़की चाय लेके आती है ने? क्या है लड़की के रूम में चाय भेज दी होगी ने? बाद में वो लेके आएगी ने? वही तो देख रहा हूँ, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या लड़की चाय? आ गई। कौन? चाय? लड़की। अरे खड़ी क्यों दिख रही, बैठो ना। जागृति, हेलो, आप क्या ट्रेन में पैदा हुए थे? नहीं नहीं मेरा मतलब है कैरी ऑन कैरी ऑन, हिलते रहिए। अरे अरे हमारे बच्चे लोग कुछ ज्यादा ही सर मिले हैं। आपका तो पता नहीं पर हमारा बेटा शर्मा के सब कुछ बता देता। तो चले। इतनी जल्दी? अरे भाई हम लड़की देखने आए, विदा कराने थोड़ी आए है ने? मगर कुछ मेरा मतलब है आप लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। इतनी जल्दी भी क्या है, हम आपको जवाब देंगे। चले। अच्छा तो जिग्नेश भाई हम चलते हैं ने? आप फिकर मत करो, बाद में जवाब दे देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री।
छीना। बका बोल ले, देखो कौन सा लड़का अच्छा लगा। मेरे को तो सब लड़के अच्छे लगे। मतलब तू तो सबसे शादी करेगी? ये डोबी एम नहीं, मेरा मतलब है सभी के दो कान, दो आँख, एक नाक, दो हाथ, दो बस चुप। मैंने तुझे बॉडी पास गिनने नहीं बोला। मेरा मतलब है तुझे कौन सा लड़का सबसे हैंडसम लगा, कौन सा देखो स्मार्ट लगा। तुझे कौन अच्छा लगा? मेरी शादी है? नहीं ना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ जूते चोरने। जूते चोरने? तू कब से मंदिर से जूते चोरने लगी? ए डोबी, जूते चोरने मतलब मैं होने वाले जीजाजी के जूते मंडप से चोरी करूंगी। बड़ी बहन हूँ, पर साली का फर्ज तो अदा करना पड़ेगा ना। ए, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा सुन ना, कितने पैसे लेगी? पैसे? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 रुपये? ना ना, 1000 डिपेंड्स, सामने वाले की हैसियत क्या है। पता चला मैंने ज्यादा पैसे मांगे और उनके पास नहीं निकले तो सबके बीच में उनका पचका हो जाएगा। वाह 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 वाह, कितना सरस लग रहा है। मेरी दोनों बेटियां एक साथ कितनी खुश है। हे कांजी, मेरी दोनों बेटियों को इसी तरह से तू हमेशा सुखी रखना हो। वो हमेशा खुश रखेंगे और हम दोनों एक साथ सदा हंसते मुस्कुराते ही रहेंगे माँ। ना बेटा, तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे? आप दोनों बेटियां हो और वो कहते हैं ना कि बेटी तो पराया धन होती है। अभी देखो हमारी जिकना की शादी हो जाएगी थोड़े दिनों में, और उसके बाद तेरी भी शादी हो जाएगी। फिर तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओगी और फिर इतने बड़े घर में रह जाएगी ये बिचारी एकली अटूली जागृति। नहीं होगा उसका कोई नाक पोंछने वाला। मा, मा। नहीं। और नहीं होगा उसका कोई आंसू पोंछने वाला। अरे मम्मी, पापा छे रे धनवानी बात छे। डाली 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 डाली, माय गॉड, 3 दिनों से मैं कितना बिजी हूं ना, डाली से मुलाकात ही नहीं हो पाई। ओ लड़के देखने के चक्कर में मैं इतना बिजी रही। अब डाली से मिलकर है ना शादी के बारे में सब बताती हूँ। काश तू हमारा दुल्हन बनकर आता और पूछता, दिशुन डोली किधर है, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा डोली सजा के लेके आता। हेलो हेलो, अरे डॉली कहाँ है, आप कहाँ खोए हुए? तुम इतना दिल से किधर खोया था? हम एक्चुअली मैं शादी के लिए ना बहुत बिजी थी, वो लड़के वाले आए थे ना देखने। क्या तो शादी करने जा रहा है, लड़का वाला देखते भी आ गया। ठाकुर अब हमारा क्या होगा? हेलो, अब फिर कहाँ खो गए हैं? डॉली को बुलाइए ना, उन्हें लड़के के बारे में बताना है, देखते हैं डॉली क्या कहती है। लड़का का बारे में? और तुम लड़का को देखा, कैसा है? बहुत अच्छा। ये जिग्ना ये बीच में किधर से आ गया? उरे बाबा, जिग्ना का शादी है, जिग्ना के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या कविता के बारे में बात करेंगे? तुम लड़का को देखा, कैसा है? बहुत अच्छा, मुझे तो पसंद आया। इनफैक्ट मुझे तीनों लड़के पसंद आए। क्या, तीन? तीन तीन से शादी करेगा? हाँ शादी तो एक से ही करेंगे, पर अगर तीन तीन ऑप्शन मिलते हैं तो प्रॉब्लम क्या है देखने में? तीन तो चौथा, हाँ हम भी तो हो सकता है ना। कविता तुम चौथा ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करता है? इधर चौथा ऑप्शन कहाँ है? ए, तुम आसपास छोड़ोगे ना तो तुमको चौथा ऑप्शन जरूर दिखाई देगा।
अब मुझे तो नहीं दिख रहा है। हम है ना। क्या ऐसा मतलब है कि हम है ना दिखाने के लिए? अच्छा एक बात बोलो, वो लड़का हमसे अच्छा लगता है दिखने में? आप लड़का था तो आपसे अच्छा ही होगा ना। हमसे अच्छा? क्या तू हमारा प्यार अब तक नहीं समझा? हेलो, ये बार बार आपने दिल पर हाथ क्या रख के सोचने लगते डॉली को? चलो छोड़ो ना, आपसे कहने ही बेकार है, मैं खुद ही डॉली को बुलाती हूँ। डॉली डॉली। अरे बाबा कविता, की हलो? अच्छा इतने दिन से किधर था तुम? ओहो तुम्हें तो बताया था ना मैं कितना बिजी हूँ। तुम्हें मालूम है ना, जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो लड़की को अच्छे से तैयार होना पड़ता है, वरना लड़के वाले कहाँ पसंद करते हैं। हाँ वो तो है, सॉरी हम आ नहीं सके। अच्छा लड़के वाले ने क्या बोला? अरे बोलना क्या है, बोला कि हम इन्हें सोच कर जवाब देंगे। मुझे एक बात बताओ, जब लड़की पसंद आ गई है तो इसमें सोचना कैसा? वैसे भी जिग्ना जैसी सुंदर लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? जिग्ना? ये जिग्ना ये बीच में किधर से आ गया? अरे बाबा जिग्ना का शादी है, जिग्ना के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या कविता के बारे में बात करेंगे? हाँ। ओ, तो लड़का वाला जिग्ना को देखने आया था? हाँ। यस यस। अरे बाबा तुमको क्या हो गया? ओ एक्सक्यूज मी, अभी तो आप सैड सिंह बने हुए थे, अचानक से हैप्पी सिंह जैसे बन गए। वो कहते हैं ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिग्ना की शादी में भीषण दीवाना। हाँ हम दीवाना है कविता का दीवाना, मतलब हमारा अभी भी चांस है। यस यस यस। अरे हमको आज तक समझ में नहीं आता इनको कभी कभी क्या दौरा पड़ जाता है। मुझे क्या लगता है कि इनका जो मेंटल बैलेंस है ना कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा डॉली वो सब छोड़ ना, मुझे एक बात समझा कि ये जिग्ना को जो भी लड़का देखने आता है उसे पसंद भी करता है, फिर ये कह के चला जाता है कि हम जवाब देंगे, फिर पलट कर कभी जवाब ही नहीं देता है ना कभी पलट कर वापस आता है। हाँ। आखिर बात क्या है? अरे मेरी मिठड़ी पुटड़ी, तुम इधर से उधर उधर से इधर काय को घूमता है? अरे तुम्हारा सैंडल घिसता है, आजकल सैंडल कितना महंगा हो गया है मालूम है, कट पीस काट के। डैडी मैं सोच रही हूँ, आई एम इन टेंशन डैडी। अरे मेरी मिठड़ी अगर सोचना ही है तो दिमाग को घसो नहीं, सैंडल क्यों घसती है? डैडी आपको सैंडल का पड़ा है, मेरा दिमाग घिसेगा उसका क्या? अरे तुम्हारा दिमाग घिस गया तो मेरे जेब में से फूटी कौड़ी नहीं जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा सैंडल घिसा ना मेरे जेब में से पैसा ही पैसा जाएगा कट पीस काट के। डैडी अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ तुम इतनी परेशान का कुए? इतना दिन हो गया डैडी अभी तक आंसर नहीं आया इसलिए। आंसर नहीं आया? अरे तुमने टीवी चैनल के कोई कंपटीशन में पार्ट किया है क्या जो आंसर नहीं आया? नहीं 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 डैडी, वो इतने देर पहले जिग्ना को लड़के वाले देखने आए थे, वो भी एक नहीं तीन तीन, अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया डैडी, व्हाई डैडी व्हाई? ऐसा है कि आजकल फुकट खाने वाले बहुत होते हैं, तो लड़की देखने के बहाने वहाँ चले जाते हैं, खाते हैं पीते हैं शगुन भी लेके चले जाते। अरे उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन बेचारे लड़की वाले वो तो मेहमान नवाजी करते करते उनका इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है क्या बताऊं? तुम्हारे बुआ के टाइम में मेरे को एक्सपीरियंस है ना, अरे उन फुकट के खाने वालों को मैंने इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया। कितना खिलाया जैजी? इतना खिलाया कि मैं 15 दिन तक भूखा रहा। वाई जैजी? अरे देखो क्या है, मैं अपना नाश्ता जो बचा कुचा फ्रिज में बचा के रखता था उसी से तो उनको नाश्ता कराया, तो मेरे को भूखा रहना पड़ा ने? छी जैजी बासी नाश्ता। अरे बासी नहीं तो क्या, रोज रोज ताजा नाश्ता किधर से लाएगा? सो क्या, अरे फिर तो मैंने ये फुकट खाऊ लोगों को भगाना शुरू कर दिया, पर तभी भी उनको खिलाते खिलाते इतना खर्चा हो गया कि शादी में जितना खर्चा होता है ना आधा खर्चा तो उसमें घुस गया कट पीस काट के। मेरे को लगता है ये जिग्नेश भी बेचारा उसी दौर से गुजर रहा है।
वो तो ठीक है दैदी अगर वो इस दौर से गुजर रहे हैं, पर लड़के वालों को तो आंसर देना चाहिए ना। अरे बाबा देगा देगा, झूले लाल पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीज हूँ क्या कि मुझ पर सोचेंगे फिर विचार करेंगे फिर जवाब देंगे? इतना क्या सोचना है मेरे पर? हाँ ये तो आज तक मैं भी नहीं सोच पाई। हाँ पर भरोसा तो किया ना कविता आंटी। जी जी कविता जी, हर बार भरोसा किया, जब जब लड़के वाले देखने को आए तब तब भरोसा किया, पर कोई पलट कर जवाब ही नहीं देता। हवे तो मन करता है कि जब भी जवाब देंगे ऐसे बोलेंगे ना तभी उनको ऐसा जवाब दूंगी कि कभी भी जवाब देंगे ये बोलने के लायक ही नहीं रहेंगे। कूल बेबी कूल, गुस्सा नहीं। गुस्सा कैसे नहीं आएगा? जवाब देंगे इसका क्या मतलब है? अरे तुम क्या घर पे जाकर बोर्ड की मीटिंग बिठाओगे कि मुझ पर सोच विचार करने का मौका मिलेगा? मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीज हूँ क्या कि मुझ पर सोचेंगे फिर विचार करेंगे फिर जवाब देंगे? इतना क्या सोचना है मेरे पर? हाँ ये तो आज तक मैं भी नहीं सोच पाई। ले देखो वो भी तो नहीं सोच पा रहे। अरे तभी तो जवाब नहीं दे रहे। अरे पर मेरे पे सोचने की क्या बात है? मैं कोई चीज हूँ क्या कविता आंटी? आंटी मत कहो ना। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अब मेरा मतलब है तू क्या चीज है ना ये उनको नहीं मालूम है, और वो इतने नाचीज है इतने नाचीज है कि जवाब देने से डरते। अरे उनकी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो कहती हूँ उसकी किस्मत चमक जाएगी जो तुझसे शादी के लिए हाँ कहेगा। बराबर बराबर बोल रहे कविता जी। जैसे दीवार पिक्चर से अमिताभ जी की किस्मत चमकी थी, वो कूली से करोड़पति बन गए थे, हाय वैसे ही जो इससे शादी करेगा ना उसकी भी किस्मत चमक जाएगी। अरे मेरी बहन जैसी बहन उनको कभी नहीं मिलेगी। ओ जलपा वो बहन नहीं बनानी है, उन्हें बीवी बनानी है। अरे सेम टू सेम भावनाओं समझो। क्या सेम टू सेम, क्या भावनाओं को समझो? तू कुछ भी बोलेगी और हम कुछ भी समझेंगे क्या? मेरे साथ करेक्ट लाइन बोल। भले मेरी बहन जैसी बीवी, मेरी बहन जैसी बीवी उनको उनको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अबे तुम लोगों मेरी शादी की बात कर रहे हो कि शपथ विधि समारोह कर रहे हो? ये लड़के वाले जो यहाँ से जाते हैं ना बोलकर कि हम लोग बाद में जवाब देंगे, वो बाद में कोई जवाब नहीं देते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं कि आप कितना दहेज दोगे। अरे मैंने अभी अभी सुना है जो लोग जिग्ना से शादी करने आते हैं ना उन्हें जिग्ना नहीं दहेज चाहिए। तुम जो दी रोज ऐसे ही खर्चा करेगा ना तो हम एक दिन कटोरा लेके सिग्नल पे नजर आएगा। तुम किधर भी नजर आओ पर हमको घर पे पैसा नजर आना मांगता।